पिछले वर्ष 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इस बार का वैलेंटाइंस डे रहा जहां देशभर में फीका। बेहिंग जिला हमीरपुर में भी वैलेंटाइंस डे की कुछ खास रौनक नहीं दिखी। इस बार के वैलेंटाइंस डे पर लोगों ने वैलेंटाइंस डे मनाने की बजाय पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर दी अपनी प्रतिक्रियाएं। पिछले वर्ष 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इस बार का वैलेंटाइंस डे जहां देशभर में फीका रहा, वहीं जिला हमीरपुर के बाजार में भी वैलेंटाइंस डे की कुछ खास रौनक नहीं दिखी। इस बार के वैलेंटाइंस डे पर लोगों ने वैलेंटाइंस डे मनाने के बजाय पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुलवामा में हमले को लेकर गांधी चौक पर रैली निकाली और भारतीय सेना की जय जयकार के नारे लगाए। वहीं शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी गई। आपको बता दें कि इसी दिन यानी के 14 फरवरी 2019 को पिछले वर्ष पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के जवानों को खोया था। वहीं वैलेंटाइंस डे के दिन को न मनाते हुए लोग सोशल मीडिया पर पुलवामा अटैक, पुलवामा नहीं भूलेंगे, ब्लैक डे जैसे टैग कर रहे हैं। इस हमले ने दुनिया ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वहीं दुकानदार मनीष शर्मा ने बताया कि आज के दिन वैलेंटाइंस डे न मनाकर शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से यही अपील है कि आज शाम 5 बजे पुलवामा में हुए शहीदों के लिए कैंडल मार्च निकाली जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और शहीदों को नमन करें। आज वैलेंटाइंस डे आप मना रहे हैं? नहीं, हमें बहुत ही दुख है। आज के दिन पिछले साल हमारे 44 भाई शहीद हुए थे पुलवामा में, हमें उसका रोष है। हम वैलेंटाइन नहीं मना रहे और बहुत ही ज़्यादा दुख है, हमें दिल से दुख है। अब हम अपने भाइयों से यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि आज के दिन उनको श्रद्धांजलि के तौर पे कुछ भी कोई अपने 5 बजे हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव राहुल राणा ने बताया कि आज 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन पुलवामा में हुए हमले को लेकर हमीरपुर बाजार में तिरंगा मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी भारतीय सेना के साथ हैं और भारतीय सेना के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं। आज हमीरपुर में तिरंगा मार्च निकाला गया। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ष पूर्व 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के कई जवान शहीद होते हैं, और उस शहादत तक लेकर उस शहादत को किस प्रकार से आज देश में, पूरे देश में विद्यार्थी परिषद तिरंगा मार्च के माध्यम से जो है उस दुख की घड़ी को इस सेना के सम्मान में तिरंगा मार्च ये विद्यार्थी परिषद ने निकाला है। और इस तिरंगा मार्च के माध्यम से आज विद्यार्थी परिषद ने बता रही है कि इस देश की सेना के साथ आज देश का हर एक छात्र है, और ये छात्र इस भारतीय सेना के सम्मान में अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। ये आज तिरंगा मार्च के माध्यम से विद्यार्थी परिषद बताने का प्रयास कर रहा है। जिला में कितनी जगह प्रदेश में, जिला में पूरे प्रदेश में विद्यार्थी परिषद इस तिरंगा मार्च का आयोजन कर रहा है, और ऐसे हर जिला केंद्र में विद्यार्थी परिषद तिरंगा मार्च का आयोजन जो है पूरे प्रदेश भर में इस सेना के सम्मान में किया जा रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।